आपको मेरा परी की जगह लेना अच्छा नहीं लगा? तुम परी की जगह नहीं ले सकती उम्मीद थी, कभी भी नहीं। आई मीन डांस में जगह लेने से कोई किसी की जिंदगी में जगह नहीं ले सकता। मुझे सच में बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, बट प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, मुझे बहुत हर्ट होता है। सॉरी, मैं तुम्हें पहले सॉरी बोलने वाला था। परी ने कहा था मुझे तुम्हें सॉरी बोलने के लिए, बट मैं भूल गया था बोलना। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई नीति दोबारा से अपनी चाल चलने वाली है। जी हाँ भाई, नीति इतनी नफरत करती है परी से और इस कदर प्यार करती है राजीव से कि वो अपनी चालें जो है वो चलती ही रहती है और वो सोच रही कि भाई कितने जल्दी वो दोबारा से संजू को हासिल कर ले। तुम में कोई बुराई नहीं है, वो कहते हैं ना कि हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। लेकिन हालातों की वजह से इंसान बुरे बन जाते हैं, जैसे कि मैं। नहीं नीति, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? कुछ नहीं, जाने दो। नहीं जीजू, जब आपने मेरे साथ डांस करने के लिए मना किया ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। शायद इसी बीच यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई वो परी के बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच दोबारा से एक नई प्लानिंग कर रही है और यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई वो दोबारा से परी के ऊपर हमला बोलने वाली है और दोबारा से वो परी की जान लेने की कोशिश करेगी। नीति तो रो क्यों रही है, क्या हुआ? मैंने वो डांस वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी बोला है। कुछ नहीं हुआ, खुशी के आंसू है। कम से कम जीजू को मेरा दर्द महसूस तो हुआ। सेरेमनी होने वाली होती है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर नीति जो है वो तार के साथ छेड़छाड़ करेगी, जहाँ पर हमारी प्यारी परी को करंट लग जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर संजू जो है परी को कुछ होने देना नहीं चाहता और यहाँ पर वो परी की जान बचाएगा। इसके बदले यहाँ पर जब परी को करंट लगता है तो वो करंट, जो सारा करंट है वो अब संजू को लग जाता है। अब आगे देखना होगा कि क्या भाई इस बार संजू जो है इस करंट की वजह से क्रिटिकल कंडीशन में जाता है या फिर वो बच जाएगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि भाई नीति की सच्चाई बहुत जल्द घर वालों के सामने आने वाली है, क्योंकि डिटेक्टिव को सारी बातें पता चल गई। उसे पता चल गया है कि भाई वहां पर हॉस्पिटल में जो परी की जान लेना चाहता था, यानी कि घूंघट में जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि नीति थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भाई यहां पर अभी डिटेक्टिव को घायल कर दिया है हमारी नीति मैडम ने, तो अभी सच्चाई जो है अभी बरकरार है, छुपी हुई है। अभी वो संजू के सामने ये सच्चाई बिल्कुल आई नहीं है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि भाई जब उस डिटेक्टिव को होश आएगा तो क्या इस बार वो नीति की सच्चाई घर वालों के सामने ला पाएगा या नहीं।